दोस्तों वैसे तो पूरे भारत में एक से बढ़कर एक कई खूंखार और खतरनाक गैंगस्टर है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बदमाश की कहानी बताने जा रहे हैं जो कच्ची उम्र में जुर्म की दुनिया पर राज करना चाहता था। उसका एक अलग ही स्टाइल था। वो माथे पर हमेशा लाल टीका, आंखों में काजल और कंधे पर काला गमछा रखा करता था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं महाकाल के नगरी उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की, जिन पर उम्र से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इस वीडियो में हम आपको दुर्लभ कश्यप के जन्म से लेकर मौत तक की पूरी कहानी को बताएंगे कि आखिर कैसे इतने कम उम्र में पूरे उज्जैन शहर का कुख्यात गैंगस्टर बने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मनोज कश्यप है जो कि एक बिजनेसमैन है। वहीं माताजी का नाम पद्मा कश्यप है जो कि गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है। माता पिता ने अपने बेटे का नाम बहुत प्यार से दुर्लभ रखा था। उन्होंने सोचा था कि बेटा बड़ा होगा तो कुछ हटकर काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई दुर्लभ जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता गया। इनके पिता का सपना था कि जिस तरह से मेरे बेटे का नाम दुर्लभ है तो ये आगे चलकर कोई अच्छा काम ही करेगा। इनके पिता का सपना था कि दुर्लभ आगे चलकर पढ़ाई करके डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, लेकिन दुर्लभ का सपना तो कुछ और ही बनने का था। दुर्लभ चाहता था कि वो पूरे उज्जैन शहर का सबसे बड़ा डॉन बने, और इसी चाहत में जब ये स्कूल में थे तो मात्र 16 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही जुर्म की दुनिया में अपना कदम रख दिए। दुर्लभ लोगों से हफ्ता वसूली, लूटपाट और डरा धमका कर पैसे लिया करते थे। ये हमेशा चाहते थे कि पूरे उज्जैन शहर का डॉन बनूं, और डॉन बनने की चाहत में वो सोशल मीडिया पर आए दिन हथियारों के साथ अपने फोटो डालते रहते थे। इनकी पहचान सबसे बिल्कुल ही अलग था। ये अपने आंखों में काजल, माथे पर तिलक और कंधे पर काले रंग का गमछा रखा करते थे, और इनका यही सब स्टाइल देख उज्जैन के नाबालिग लड़के भी इनके गैंग को ज्वाइन कर लेते थे। दुर्लभ के गैंग में एक साल के अंदर ही 100 से अधिक लड़के जुड़ चुके थे। इनके गैंग के सभी सदस्य इन्हीं के तरह माथे पे तिलक, आंखों में काजल और कंधे पर गमछा रखा करते थे। दोस्तों दुर्लभ छोटे छोटे बच्चों के बीच भी काफी प्रसिद्ध हो रहा था, इसलिए इनके गैंग में बहुत सारे लड़के जुड़ गए थे, और ये गिरोह अब मारपीट, हफ्ता वसूली और लूटपाट करने लगा था। सिर्फ 18 साल की उम्र में दुर्लभ के खिलाफ 9 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। इन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल के अबाउट सेक्शन में लिख रखा था कि वह एक कुख्यात बदमाश है, हत्यारा है और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी हो, तो हमसे संपर्क करें। दुर्लभ कश्यप फेसबुक पर इस तरह की पोस्ट डालकर लोगों में दहशत पैदा करने का काम करता था। जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ और इनके गैंग के 23 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दुर्लभ कश्यप जब जेल में थे तो उस वक्त उज्जैन के SP सचिन अतुलकर ने उनसे कहा था कि तूने कम उम्र में ज्यादा दुश्मनी पाल ली है, तू जेल में है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई जरूर तुझे मार देगा। और दोस्तों होनी को भी कुछ और ही मंजूर था। बाद में SP सचिन अतुलकर की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। 6 सितंबर 2020 के रात दुर्लभ के मां ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए अमन उर्फ भूरा के दुकान पर गया। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। यहाँ पर दूसरी गैंग के शहनवाज सदाब, इरफान, राजा, रमीज और उनके कई साथी पहले से ही मौजूद थे। पुराने रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और शहनवाज से दुर्लभ की कहा सुनी हो गई। शहनवाज और उसके साथियों ने चाकू से हमला कर दिया। दुर्लभ ने भी शहनवाज पर गोली चला दी जो उसके कंधे पर लगी, जिससे वो घायल हो गया। उसके बाद शहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त थे, जबकि शहनवाज की साथियों की संख्या काफी ज्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया और दुर्लभ के दोस्त अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। दोस्तों दुर्लभ कश्यप के दोस्त अभिषेक शर्मा का कहना था कि सदाब चाकू मार रहा था, और चाय वाला अमन उर्फ भूरा कह रहा था कि सदाब भाई इसे खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। दोस्तों आपको ये बता दें कि दुर्लभ को 34 बार चाकू से गोदा गया था, जिसके बाद मात्र 20 साल की उम्र में ही इनकी मौत हो गई। एक माँ ने कुछ समय पहले अपने जिस बेटे को खाना खिलाया, थोड़ी ही देर बाद उसके बेटे की लाश की शिनाख्त करने के लिए उसे बुलाया गया था। दुर्लभ कश्यप की मौत के 7 महीने बाद इनकी माँ पद्मा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
इनके पिता का कहना है कि जिस राह पर उनका बेटा गया कोई और युवा अपराध की उस रास्ते को न चुने, इसलिए जुर्म की दुनिया बहुत छोटी होती है। अगर आज दुर्लभ कश्यप अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखते तो वह आज एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। दोस्तों, आपको दुर्लभ कश्यप की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आप दुर्लभ कश्यप के फैन हैं ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।